हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो मैं व्हाट्सअप के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 7 ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा व्हाट्सअप के बारे में, जो शायद ही आपको पता है। अगर पता हो तो मुझे कमेंट जरूर करें आपको इन 7 में से कौन सी पता है। ठीक है, और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं फेस कैम वीडियो पूरी बना सकता हूँ, आपको यहीं पर बता सकता हूँ पूरी वीडियो अच्छी तरीके से साइड में फ़ोन की स्क्रीन लगाकर। लेकिन अगर मैं वीडियो पूरी बनाऊंगा तो 1 GB तक बन जाएगी, क्योंकि जो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाई क्वालिटी की 1080 पिक्सल तक बनेगी, तो 1 GB की जो वीडियो बनेगी। और जो मेरे नेट है वो 1.5 GB पर डे मिलता है, तो मैं आपके लिए वीडियो दिन के 3 नहीं डाल सकूँगा। तो इसलिए फेस कैम वीडियो में थोड़ी बनाऊंगा स्टार्टिंग की, बताने के लिए कि किस पर वीडियो है। ठीक है, आगे वीडियो में आपको स्क्रीन के ऊपर ही ले जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, और आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं नए वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, अपन स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो छोटी सी सीनरी फेस कैम हो जाए। तो सबसे जो पहली टिप है वो है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं पहले अपन चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जब मैं क्लिक किया 3 डॉट पर, यहाँ पर जाने के बाद नीचे देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन दे रखा है, सॉरी सेटिंग का। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना अकाउंट्स में। ठीक है, अकाउंट्स में जाने के बाद अब देखिए नीचे 2 नंबर सिक्योरिटी का ऑप्शन दे रखा है आपको, यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद देखिए मैंने इसको एक्टिव कर रखा है। जैसे अगर अपन उसको एक्टिव कर लेते हैं तो इसका मतलब होता क्या है, एक्टिव करने के बाद जैसे कोई आपका फ्रेंड है कोई भी, ठीक है, वो व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो वो करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक आपको पता लग जाएगा कि उसने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया दोबारा। कोई भी नया फ़ोन खरीदता है तो वो व्हाट्सएप पर दोबारा से इंस्टॉल करता है व्हाट्सएप को। ठीक है, तो इससे होता है कि आपके पता लग जाता है आपको किसने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया है। और होता कैसे है कि जैसे कोई आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो एक कोड तो मांगते हैं आपसे सिक्योरिटी वाला, वो कोड चेंज होगा जब भी, तो आपको पता लग जाएगा इसको एक्टिव करने के बाद। तो ये थी पहली टिप। ठीक है, तो दूसरी टिप क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो टिप ये कि चैट वाले मैसेज के साथ रिप्लाई कैसे करें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो ग्रुप होता है अपना, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ग्रुप के अंदर एक फीचर होता है क्वाट नाम का। तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में जाने के बाद जैसे ये ऑसम मेरा ग्रुप है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए मेरा दोस्त है अनिल भाई, इसने मुझे मैसेज कर रखा हाय। अब मान लो ये छोटा ग्रुप आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। ठीक है, जैसे कोई आपका बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसमें खूब सारे मेम्बर आपके, अब कोई मैसेज भेजा तो आपको इतने सारे में पता कैसे लगेगा मैसेज भेजा है, और आपको रिप्लाई करना है। जैसे अनिल भाई ने मुझे मैसेज भेजा हाय, तो उसका रिप्लाई देना अपन को। ठीक है, तो इस पर आपको टैप करके रखना है, यानी कई देर दबा के रखना है, पता लग जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद जैसे ये नीचे टाइप ए रिप्लाई, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जैसे अपन लिख देना, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हाई लिख के भेज दीजिए हाई। जैसे अब इसको पता लग जाएगा कि अपन कोई मैसेज भेजा है, अपन मैसेज भेजते हैं यहाँ पर हाई, तो इसको पता कैसे लगेगा कि अपन कोई भेजा है, खूब मेम्बर है इसमें, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दबा कर रखना है और यहाँ पर मैसेज भेज दीजिए हाई, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये दूसरी टिप कैसे लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, काफ़ी अच्छा है ये। और जो थर्ड है वो है व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज कब पढ़ा गया, यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसे व्हाट्सएप में चलते हैं वापस ग्रुप में गए, अब जैसे मैंने ये मैसेज भेजा यहाँ ऐड कर बंदे हाय हाय, ठीक है, जैसे मैसेज भेजा। अब जैसे नॉर्मल क्या होता है, जैसे मैं चलता हूँ वापस, जैसे ये जैसे मैंने मेरे दोस्त को मैसेज भेजा है, ठीक है, जैसे ब्लू टिक का ऑप्शन आ गया, यानी ये पढ़ लिया, अब वापस ग्रुप में आते हैं। अब इसके अंदर देखिए ब्लू का टिक का ऑप्शन आया, तो अपन को पता कैसे लगेगा कि ये मैसेज पढ़े हैं या नहीं, तो क्या होगा, ऊपर देखिए 3 डॉट दे रखे हैं, ठीक है, 3 डॉट यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, सॉरी ऐसे नहीं, जैसे कौन से मैसेज को पढ़ा गया, तो जैसे ये मैसेज हाई वाला नीचे नीचे वाला, इसको दबा कर रखें, दबा लिया, अब ऊपर 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक कीजिए। अब देखिए इन्फो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए रीड बाय, यानी अभी तक रीड कर लिया इतने दिनों ने, देखिए जस्ट नाउ इन्होंने रीड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। और हाँ, जो चौथी टिप है वो ये है कि आप जब मैसेंजर लाते हो फेसबुक के अंदर मैसेंजर, ठीक है, अब उसके अंदर जैसे कोई आपको रिप्लाई या मैसेज भेज रहा है, तो पॉप मैसेज आता है, पॉप यानी टिक की आवाज़ आती है, आपको पता लग जाता है कि ये मैसेंजर से आया हुआ, इसने भेजा इस बंदे ने। ठीक है, तो व्हाट्सएप में भी आप इसे ओपन कर सकते हो,
जैसे करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है व्हाट्सएप के अंदर, और फिर ऊपर तीन डॉट दे रखे हैं यहाँ पर क्लिक करना है, फिर जाना आपको सेटिंग के अंदर, और फिर जाना नोटिफिकेशन में, और फिर देखिए पॉप नोटिफिकेशन वाइब्रेट के नीचे दे रखा है पॉप नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर रखा है आपके वाले में, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर आपका आएगा नॉन पॉपअप, ठीक है। तो आपको ऑलवेज कर देना है, या फिर ओनली वेन स्क्रीन ऑन, यानी जब आपकी स्क्रीन ऑन हो तब दिखाए, या फिर ऑफ हो तब, तो आप ऑलवेज कर दीजिए, यानी अब आपको दिखा देंगे, ठीक है। आप मैसेज करके देख लेना एक बार, आपको पता लग जाएगा। तो ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो अगली टिप है वो है व्हाट्सअप शॉर्टकट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सअप के अंदर, ठीक है, जैसे बीएल मीणा, ठीक है। अब जैसे बीएल मीणा, ठीक है, मैं इनसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के एग्जाम्पल लेकर, जैसे मैं इनसे खूब बात करता हूँ, ठीक है, आप भी खूब बात करते हो किसी से भी, कोई दोस्त आपका ज़्यादा मतलब व्हाट्सएप में आप उससे बातें करते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि बार बार मैं यहाँ पर आकर ऐसे नहीं करना पड़े, ढूंढना नहीं पड़े वो कहाँ पर गया, तो इसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे कोई भी है वहाँ पर, इसके अंदर जाइए चैट स्क्रीन में, और ऊपर तीन डॉट दे रखे हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए, और नीचे फिर मोर का ऑप्शन दे रखा है, नीचे नीचे मोर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और फिर नीचे जाइए ऐड शॉर्टकट, यहाँ पर क्लिक कर देना। अब क्लिक करने से क्या हुआ, देखिए चैट शुड एडेड टू योर होम स्क्रीन, वापस चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर। अब इधर जाइए, जैसे देखिए यहाँ पर बेल मेरा यहाँ पर आ गया, डायरेक्ट नीचे आ चुका है, अब यहाँ पर क्लिक करना है तो डायरेक्ट अपन इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार कहाँ पर है वो है, बस डायरेक्ट जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। जो अगली टिप है वो है बिना टाइप किए बोलना, ठीक है। इसका मतलब बताता हूँ, जैसे आप जाइए वापस अंदर, फिर यहाँ पर टाइप करने वाले यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जैसे अपन एक तो रिकॉर्डिंग वाला होता है, जैसे ये यहाँ पर, ठीक है, ये, और एक होता है चैट के अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए इस कीबोर्ड के अंदर ही देखिए ये रिकॉर्डिंग वाला दे रखा है ना ग्रीन कलर में, इसके जस्ट नीचे एक और माइक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप मैसेज भेज सकते हैं। जैसे मैं भेज के दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर बोलना है, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस टाइम हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी तो बोलना है वो टाइप कर दीजिए, जैसे आप लिखते हो वैसे वैसा उसके पास चला जाएगा। तो ये टिप काफ़ी शानदार लगी मुझे, जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं दोबारा बताता हूँ, आप टाइप कीजिए, यहाँ पर जाइए, और फिर ग्रीन कलर में जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दे रखा है इसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर बोलना है, जो भी बोलना है फिर सेंड कर दीजिए, ठीक है, लिख कर भेज जाएगा वैसा। और ऊपर वाले से क्या होता है, रिकॉर्डिंग करिए उसके पास ऑडियो की आवाज़ आती है, और नीचे वाले से क्या होता है, आप जो भी बोलते हैं जैसे हाई हाउ आर यू, कुछ भी जो बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग कुछ भी, तो वो सब चला जाएगा इसके पास। तो ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। तो अगली टिप, उसके लिए आपको व्हाट्सएप के अंदर जाना है, और जो ये टिप है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जैसे बीएल मीणा, ठीक है, जैसे मैंने कोई बातचीत की, ठीक है, चैटिंग, जैसे सॉरी इसमें चलते हैं, जब मैंने चैटिंग की, अब अपन को ये चैट है अपन को ईमेल के अंदर ऐड करना है, इसको ईमेल के अंदर अपन को भेजना है अपनी वाली ईमेल में। तो ये तीन डॉट दे रखे हैं यहाँ पर जाइए, मोर में जाना, नीचे नीचे मोर दे रखा है वहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद ब्लॉक क्लियर चैट ईमेल चैट, तो ईमेल चैट पर जाना है अपन को, और फिर अपन को देखिए अटैचिंग मीडिया विल जनरेट लार्ज ईमेल मैसेज, तो विदाउट मीडिया कर सकते हैं, अटैच मीडिया कर सकते हैं, तो विदाउट मीडिया तो अटैच कर लेते हैं विदाउट मीडिया, सॉरी। अब ईमेल में चलते हैं, अब देखिए अपनी जो भी चैटिंग है वो सब इसके अंदर आ चुके हैं, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, उनको भेज भी सकते हो ये चैटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये इसकी कुछ टिप थी। तो टोटल मिलाकर आपको मैंने 7 टिप्स बता दिए। तो ये टिप्स कैसी लगी फ्रेंड्स मुझे कमेंट ज़रूर करें, और आपको किन पर व्हाट्सअप या फेसबुक मैसेंजर किन पर भी अगर आपको और टिप्स वगैरह चाहिए जो आपको नहीं मालूम, मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास वाले बेल आइकन को क्लिक